उसकी आंखें कर रही हैं आज विंग कमांडर अभिनंदन के भारत आने का इंतजार। पाकिस्तान की तरफ से भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की बात पर पूरे देश में खुशी की लहर है। जहां आज शुक्रवार 1 मार्च दोपहर वाघा बॉर्डर से जाबाज अभिनंदन हिंदुस्तान की धरती पर अपना कदम रखेंगे, वहीं 130 करोड़ से हिंदुस्तानी की आंखें बेसब्री से पाकिस्तान से उनके आने का इंतजार कर रही हैं। बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन फिलहाल इस्लामाबाद में है। पहले आज उन्हें लाहौर लाया जाएगा, उसके बाद भारतीय अधिकारी ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन भारत पायलट को लेकर वाघा बॉर्डर आएंगे। वहीं हमारे भारतीय वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल विंग कमांडर अभिनंदन को लेने वाघा बॉर्डर सीमा पर जाएगा। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को संसद में घोषणा की थी कि अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि अभिनंदन पाकिस्तान पहुंचे कैसे। पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी बुधवार सुबह भारत में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसका भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन F-16 को नस्तोनाबूद किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया। इसी MiG-21 से पैराशूट से उतरते वक्त वो सीमा पार चले गए, जिसके बाद पाकिस्तान सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद से वो पाकिस्तान में हैं, जिसके बाद आज पाकिस्तान उन्हें रिहा कर रहा है। वीर बहादुर अभिनंदन के हौसले और दिलेरी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। आइए जानते हैं। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने अभिनंदन का बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि इतने मुश्किल हालत में भी उन्होंने जिस साहस के साथ पेश आए वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने लिखा कि चारों तरफ से घिरे जाने के बाद भी अभिनंदन ने हथियार नहीं डाले और अपने गुप्त दस्तावेज पाकिस्तान के हाथ नहीं लगने दिए, और वहीं उन्होंने उन दस्तावेजों को नष्ट भी कर डाला। डॉन ने लिखा है कि प्लेन क्रैश होने के बाद स्थानीय लोगों से घिरे होने के बावजूद अभिनंदन तालाब में कूद गए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ दस्तावेज और नक्शे निकाले और कुछ कागजातों को वो निगल गए और बाकी को पानी में भिगोकर नष्ट कर दिया। डॉन अखबार ने स्थानीय चश्मदीदों के हवाले से लिखा कि पैराशूट से उतरने के बाद स्थानीय लोगों ने अभिनंदन को घेर लिया। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान क्षेत्र में पैराशूट से उतरते वक्त सही सलामत थे। अभिनंदन के पास एक पिस्टल थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान। उसके बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो अभिनंदन हवाई फायरिंग करते हुए वहां मौजूद तालाब में कूद गए और भीड़ को भी तब तक खुद से दूर रखने में कामयाब रहे जब तक पाकिस्तानी सेना वहां नहीं पहुंच गई। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।